गुरुवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर देश भर में कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पत्रकारों से रूबरू हुए और कहा कि राजीव गांधी जी का राजनीतिक जीवन बहुत कम था, उन्होंने देश की जनता को 21वीं शताब्दी के लिए तैयार किया है। साथ ही पायलट ने कांग्रेस द्वारा भेजी गई बसों को यूपी सरकार द्वारा रोकने के बारे में भी कही है कई बातें। क्या है पूरा मामला और क्या क्या कहा सचिन पायलट ने, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर गुरुवार को देश भर में कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि दी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर भी स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पीसीसी चीफ एवं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का राजनीतिक जीवन बहुत कम था, लेकिन उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। राजीव गांधी ने देश की जनता को 21वीं शताब्दी के लिए तैयार किया। हम सभी कांग्रेस जन आज राजीव जी को बहुत भावभीन श्रद्धांजलि देते हैं। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने बताया कि कोरोना संकट के इस समय को देखते हुए कांग्रेस ने पहली बार आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी याद में कोई इश्तेहार नहीं दिया है। AICC द्वारा लिया गया यह निर्णय सराहनीय है। इश्तेहार के रूप में खर्च होने वाले पैसों को कांग्रेस कोरोना संक्रमण के इस युद्ध में मदद के लिए इस्तेमाल करेगी। श्रमिकों और सड़कों पर पैदल चल रहे लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस पार्टी देश भर में जरूरतमंदों की मदद कर रही है। पायलट ने आगे कहा कि आज राजीव जी की पुण्यतिथि पर हम उनको याद करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम सब मिलकर आने वाले समय में हमारी सरकार और पार्टी उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते का सपना राजीव जी ने दिखाया था। वहीं कांग्रेस द्वारा भेजी गई बसों को यूपी सरकार द्वारा रोकने के मामले पर सचिन पायलट ने कहा कि प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस ने अपनी तरफ से 1000 बसें श्रमिकों के आवागमन के लिए यूपी भेजी, तो इसमें क्या गलत किया? मानवता के भावों में आकर लोगों की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन बेवजह अड़चन पैदा करना, लोगों को गिरफ्तार करना गलत है। भारत सरकार ने कहा कि 30 जून तक किसी भी वाहन को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद कहा गया कि बसों का परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है। अगर कोई गरीब अपने घर पहुंच रहा है तो उसे बेवजह रोकने की क्या जरूरत थी? इतने नाजुक मौके पर जब देश संकट से गुजर रहा है, इसमें कोई संगठन, NGO, कोई व्यक्ति मदद का हाथ बढ़ा रहा है तो उसकी मदद स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं बनता। बड़ी संकीर्ण सोच का परिचय योगी सरकार ने इस बार दिया है। हम अपने काम में लगे रहेंगे, मदद करेंगे और पूरे देश प्रदेश में जहां भी होगा हम श्रमिकों की मदद करेंगे। मनरेगा के तहत ग्रामीण श्रमिकों को मिल रहे रोजगार के बारे में सचिन पायलट ने बताया कि प्रदेश में अब 36 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है। मनरेगा के तहत रोजगार देने में राजस्थान देश में नंबर एक राज्य बन गया है। बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए बहुत आसानी से जॉब कार्ड बनाया जाएगा। मैंने केंद्र सरकार को कहा है कि और पैसा मनरेगा के लिए दे और रोजगार के 100 दिन को बढ़ाकर 200 दिन करे। ग्रामीण क्षेत्र में हमने नारा दिया है एक गांव चार काम, चारों काम हो रहे हैं। इसकी मुझे बड़ी खुशी है कि लोग मनरेगा के तहत अपने खेतों में अपने मकानों का निर्माण कर रहे हैं और उसकी उनको मजदूरी भी मिल रही है, जिससे दोनों तरफ से गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है। बाहर से आने वाले व्यक्ति के पास अगर कोई प्रमाण पत्र भी नहीं है तो वह सेल्फ अटेस्टेड पत्र भी दिखा देगा तो उसे रोजगार दिया जाएगा। इसके निर्देश मैंने विभाग को दिए हैं। टिड्डियों के दल के राजधानी जयपुर तक पहुंचने पर पायलट ने कहा कि टिड्डियों का दल बहुत आगे तक पहुंच चुका है। टिड्डियों के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार का एक अलग विभाग है। राजस्थान सरकार ने पहले भी केंद्र से मांग की है, लेकिन अब संकट बहुत ज्यादा है। किसान वैसे ही परेशान है। किसानों का नुकसान नहीं हो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार और अधिक साधन, सामग्री, पैसा राज्य सरकार को भेजे। अब एक युद्ध स्तर पर टिड्डियों के दल को नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो टिड्डियों का दल जयपुर के आसपास के इलाकों तक पहुंच चुका है। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।